ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और जो भी घर की स्त्रियां हैं अगर नमः शिवाय बोल करके इस पेड़ के नीचे चली जाती हैं तो उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विश होती है, बहुत दिनों से अधूरी है ना, पूरी ज़रूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा इस पूरे उपाय को। बहुत ही आसान सा और सबसे छोटा उपाय है मनोकामना को पूरी करने का, है ना। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप यही समझ लो। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रही है ना, एक बेलपत्र लेना। इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन कोशिश करिए नवरात्रि के टाइम पे अगर करते हैं तो इसका अलग महत्व है ना। अब आपको क्या करना होगा, इस एक बेलपत्र ज़्यादा नहीं, एक बेलपत्र लेना और इस पर जो लाल चंदन से तीन बिंदियां लगा देना। किसका नाम लेकर के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लाल चंदन से तीन बिंदियां कुछ इस तरीके से लगाना, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है, बस तीन बिंदियां लगाओ। उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर बेल पेड़ के नीचे जाओगे, वहां पर बैठोगे, ठीक है। और उस बेलपत्र को नीचे रखोगे बेल पेड़ की जड़ में और क्या बोलना होगा, नमः शिवाय। पांच बार बोलना होगा नमः शिवाय, ओम नहीं बोलना है, नमः शिवाय आपको सिर्फ बोलना होगा। और वहीं पर बेल पेड़ के नीचे जो आपने बेलपत्र रखा है उस पर अपना हाथ रख करके अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है कि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, इतने सारे व्रत कर लिए, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी मनोकामना को पूरा करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना होगा, नमः शिवाय, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाओगे यहाँ से और लेके जाओगे किसी भी महादेव के मंदिर में जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक में हो, ले जाकर के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे। फिर से यहां बोलना होगा नमः शिवाय। क्या बोलना है, नमः शिवाय। बोल करके डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग किधर होगा, वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित करना, उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल अपने साथ लेकर के जाना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ और उसी पर आपको समर्पित करना होगा बेल पेड़, जो बेल का पत्ता है उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेल से होता हुआ ये जो जल है जलाधारी से नीचे गिरेगा, अपना दाहिना हाथ लगा करके दोनों आँखों पर लगा लेना, आपकी जो भी इच्छाएँ होंगी मात्र 9 दिन के अंदर पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। तो करिएगा इस उपाय को, बहुत ही आसान सा था, नमः शिवाय सिर्फ आपको बोलना होगा, आपकी सारी पूरी जरूर होंगी, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।